अग्निमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य दिवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातिमं। इस सत्र के अध्यक्ष परम सम्मान्य प्रोफेसर डॉक्टर वेदपाल जी, मेरे सम्मुख विराजमान प्रोफेसर कमलेश जी, मुझे आदेश देके बुलाया प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी ने। आदेश शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अभ्युदय में साक्षात कारण है, क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के तो मैम उसमें थे। आचार्य छवि कृष्ण जी, अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे छात्रों तथा वेद के जिज्ञासु जन, चार व्याख्यान मेरे से पहले हो चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो कुछ उनका मुझे लाभ हुआ, थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप लोगों ने बता दी, मेरे लिए छोड़ा कुछ नहीं। अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक से एक बढ़िया व्याख्यान आप सुन रहे थे। वेद का तो अमृत है, जहाँ से मुंह मारोगे वहाँ मीठा ही मीठा लगेगा। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि आपने बहुत सारे संकेत मेरे लिए भी छोड़ दिए, या मेरे से बोलते वक्त छूट जाएंगे तो आप उनके साथ संगति अपने आप लगा लेंगे। क्योंकि जितने विषय रखे गए कुल मिला के तो सभी ने, चाहे समाज परिवार के माध्यम से चाहे ईश्वर के माध्यम से, समाज की बात की है। क्योंकि समाज है तो जीवन है, ये पहले व्याख्यान में चौकसी जी ने बता ही दिया था। कैसे इनको विभाजन किया जाए बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो हम ऐसा मान के चलते हैं। एक तो पहला जो समाज बच्चे का आरंभ होता है वो विद्याकुल से होता है, क्योंकि हम विद्याकुल में बैठे हैं। कई बार विश्वविद्यालयों में ये चर्चा होती है तो मेरा एक सामान्य समय प्रश्न पूछ लेता हूँ, खासकर जब कन्वोकेशन होता है। कन्वोकेशन को हिंदी में हम दीक्षांत समारोह बोलते हैं, कि दीक्षांत समारोह होगा तो आम तौर पे जो मित्रगण बैठते हैं मैं उनसे पूछता हूँ दीक्षा कब हुई थी, क्योंकि दीक्षा हुई नहीं और दीक्षांत हो गया, ये बड़ी अद्भुत सी बात है। लेकिन वैदिक परंपरा में पहले दीक्षा होती है, क्योंकि दीक्षा होगी तो उसके बाद दीक्षांत होगा। आधुनिक परंपरा में दीक्षांत होता है, दीक्षा नहीं होती। और दीक्षांत जब होता है, दीक्षा जब होती है तो अद्भुत शर्तें हैं दीक्षा की। कोई बहुत भारी भरकम कहीं फी का कुछ जिक्र नहीं है पुराने साहित्य में, किसी वैदिक वाङ्मय में। मुझे अपनी दीक्षा याद आ रही है, मैं आपको जरा, मुझे बात समझाने में आसानी रहेगी। जितने भारत में स्कूल हैं, स्कूल की हिंदी क्या होती है विद्यालय, कॉलेज की हिंदी क्या होती है महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और के मुंशी जी ने भी बनाया भारतीय विद्या भवन। कभी विचार किया स्कूल की हिंदी शिक्षालय क्यों नहीं होती, सरकारी शिक्षालय, सरकारी महाशिक्षालय, विश्व शिक्षालय, आखिरी विद्या के पीछे क्यों पड़े हैं सब लोग? ये जो मूलभूत बातें हैं, क्योंकि शिक्षित तो कोई भी हो सकता है, शिक्षावान करना कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, असली बात तो मनुष्य का विद्यावान बनना है। शिक्षा तो साधन मात्र है, और ये जरूरी नहीं कि बहुत जिसके श्लोक जिसको याद हों, बहुत सारे वेद मंत्र जिसको याद हों वो विद्यावान भी हों, ये जरूरी नहीं। विद्यावान होना बिल्कुल अलग चीज़ है।
आपके हमारे जो दादा परदादा पितामह वगैरह थे आप याद कीजिएगा, उनके पास कोई गैस नहीं होती थी, चूल्हे होते थे। बरसात के मौसम में भी कोई मेहमान लेट सवेर आ जाए तो भूखा नहीं जा सकता था। लेकिन जब से सुविधाएं आई हैं, सबसे पहले खटका ये होता है कहीं खाना तो नहीं खाएगा यदि कोई लेट सवेर आ गया तो। सारी सुविधाओं के बाद आप विचार कर लीजिए, हम विद्यावान हुए हैं या शिक्षावान हुए हैं? इसलिए विद्यावान होना ज़्यादा ज़रूरी है। और यजुर्वेद भी यही कहता है, विद्याम चा विद्याम च, क्योंकि विद्या अमृतमश्नुते।